आपका हमने मार्केट में बहुत नाम सुना है कि आप जो है एक ही पावर में और पांच पांच छह छह मॉडल लॉन्च करते हो, और इसी वजह से मुझे मेरे किसान भाइयों की डिमांड थी कि सर हमें एक ही मॉडल में एक ही पावर में जो है पांच छह जो है आप ब्रीडर दिखाइए। तो आप ऐसा कैसे करते हो, कहाँ से लाते हो ये मॉडल? आप जो है आपने चार चार पांच पांच मॉडल छह छह मॉडल सात सात मॉडल एक ही एचपी में मिल जाते हैं? देखिए पुष्पेंद्र भाई, ये तो किसान भाइयों का देखिए प्यार है जी कि हम उनके लिए जो उनके लिए हम नए नए मॉडल निकालते रहते हैं। जी 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 जी। तो सर आज हमारे किसान भाइयों को कितने एचपी में लेके आए हैं ये इतने सारे मॉडल आप? उसमें भाई मैं 8 एचपी में ये मॉडल दिखाने वाला हूँ आज। अच्छा, टोटल ये 8 एचपी में रहने वाले चार चार मेरे किसान भाइयों? जैसा आपने सुना और जैसा कि मैंने वीडियोज में देखा हुआ है कि ये जो है एक ही पावर में और आपको चार चार पांच पांच नहीं, आपको बल्कि सात सात आठ आठ मॉडल ये आपको दिखाते हैं। लेकिन सर अब मैं बात करूंगा कि ये मशीन आपकी कुछ कामगार भी है या नहीं है, किसान भाई का काम भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगी? पुष्पेंद्र भाई देखिए, किसान भाइयों की इतनी डिमांड है जी, कि हमारे पास में माल रहता नहीं है, कम पड़ जाता है। अच्छा, स्टॉक आता है और स्टॉक चला जाता है, खप जाता है। अच्छा जी, तो ये हमारे किसान भाई, जैसे मैं बात करूं, सबसे अहम मुद्दा होता है हमारे किसान भाई इससे क्या काम कर सकते हैं, क्या ट्रैक्टर जैसा काम कर सकते हैं, जुताई वगैरह कर सकते हैं? यूं कहिए कि ये कौन सा काम नहीं कर सकता। अच्छा, आप ही बता दीजिए सर, ये कौन सा काम नहीं कर सकता आपने बोला है, कौन कौन सा काम करेगा ये बता दीजिए आप। ये जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं ना जी, तो ये वो काम करेगा जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं। अच्छा, बड़े ट्रैक्टर तो सर ट्रॉली चलाता है, रीपर भी चलाता है, स्प्रे पंप भी चलाता है। बिल्कुल, तो ये वही ट्रैक्टर है। अच्छा, कहने में छोटा दो पहिए का जी, लेकिन काम वही करेगा ये। अच्छा, वही कर देगा जी, बिल्कुल। तो अवतार भाई ये तो कमाल कर दिया, तो ये घंटे में कितना काम कर देगा जुताई करें तो? जैसे हम एक से सवा बीघा की जुताई करेगा, चार फीट का रोटावेटर है, डीजल इंजन है। डीजल इंजन है ये? हाँ जी। तो सर ये सब डीजल में ही दिखाने वाले हो या पेट्रोल में भी मिलेंगे? देखिए किसान भाई की चॉइस होती है, वो तो पसंद होती है कि डीजल में लेना है पेट्रोल में। अच्छा, डीजल में लेना है पेट्रोल में जी। तो जैसे अभी आपके सारे मॉडल एक घंटे में एक डेढ़ बीघा की जुताई करेंगे या डीजल डीजल वाला करेगा? सर चारों मॉडल की बात करो, मैं एक की बात नहीं करता। मैं लाइव डेमो लूंगा भाई साहब खेत में। किसान भाइयों को अवतार भाई लाइव डेमो देता है, देख लो अवतार भाई जी। अब ये बताइए, ये इससे कुछ पैसा भी कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता? देखिए पुष्पेंद्र भाई, कमाने की बात कहूँ मैं जी, तो मेरा बीजर जी एक लीटर डीजल में 125 बीघा की जुताई करता है जी, और गुड़ाई की बात करूं तो 1.5 बीघा की गुड़ाई निकाल देता है ये। अच्छा, जैसे कि कपास हुआ, मिर्ची हुई, अब गोभी की फसल आ रही है, सब्जी आ रही है, तो एक घंटे में ये 1 से 1.5 बीघा की गुड़ाई करेगा। वहीं मजदूर लगेंगे, 1 बीघा में 4 से 5 मजदूर लग जाएंगे जी। मजदूरों की लगा दीजिए, 4 मजदूरों की कीमत लगा दीजिए, 300 से 1200 रुपए हो जाते हैं जी। तो 100 रुपए में ये मेरा बीडर काम कर रहा है, और कहां मजदूर 1200 रुपए के। तो ये तो 1200 रुपए बचे ना। जुताई के साथ साथ बुवाई का भी सीजन आने वाला है, क्या ये बुवाई कर पाएंगे? इसके पीछे हिच दे रखी है, इसमें मैं सीडर लगा दूंगा इसमें। अच्छा, सीडर लग जाएगा, मतलब सीड ड्रिल मशीन लग जाएगी इसमें? बिल्कुल सर, सीड ड्रिल मशीन लग जाएगी। तो ये तो अवतार भाई जी आपने कमाल कर दिया। अब मैं बात करूं, जिसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो पावर टिलर है, इनके माध्यम से मेरा किसान भाई अपनी जो है खेती को आसान बना सकता है और पैसा भी कमा सकता है। अब आने वाला पुष्पमय सीजन आ रहा है धान का कटाई का। अच्छा, मेरा किसान में रीपर लगा करके धान की कटाई इसी से कर सकता है। कटाई का तो कर आ रहा है भाई साहब, लेकिन जुताई का भी आ रहा है, गेहूं बुवाई करनी है उनको जी। बिल्कुल, देखिए गेहूं भी बोएगा, जुताई भी करेगा, और धान को ये किसान दोस्तों के लिए घर पे भी छोड़ के आएगा ट्रॉली से। अच्छा, ट्रॉली लगा भी सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, उसमें है ट्रॉली भी लगाएगा। तो अब सर देखिए, ये तो मैंने काम के बारे में बात कर ली और रोजगार के बारे में बात कर ली, अब मैं आपकी मशीन की बारी बारी से जानकारी लेना चाहता हूँ। आपके उधर से मैं स्टार्ट करूंगा सर, वो मॉडल बताइए जी। वो कुछ बड़ा सा लग रहा है और ऐसे लग रहा है 10 HP जैसा, हाथी जैसी पावर लग रही है, क्या बात है अवतार भाई, इतने बड़े बड़े पावर टिलर लॉन्च कर रहे हो, क्या बात है भाई? ये 8 HP में? 8 HP में है ये जी। तो सर ये 8 HP में पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है? पेट्रोल इंजन प्लस जी एथोनल। अच्छा, पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से चलेगा? दोनों से चल जाएगा ये। तो जैसे कि इंडिया में मान के चलो पेट्रोल ना रहे तो ये एथेनॉल से चलने वाला है? बिल्कुल। और सर जी बड़ा वाला हैंडल दे दिया जी इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब आपने बड़ा बम्पर दे दिया है जी, डबल लाइट दे दिए किसान भाई। अच्छा, डबल लाइट दे दी, फंडर की जो चौड़ाई है वो हमने बड़ी वाली कर दी। अच्छा, डबल लाइट क्यों दिया आपने? बड़ी देखिए, डबल लाइट इसलिए दे दिया है जी किसान भाई को, देखिए ये तो आगे दिखाने के लिए है जी, ये सीधा दिखाने के लिए। अच्छा जी,
तो आपने इसमें, मैंने ऐसे सुना है कि आपने जो ये बड़े टायर दिए हुए हैं इनसे मेरा किसान भाई ट्रॉली खींच के ले जा सकता है, और इजी टर्न बता रहे थे आप, इजी टर्न कहाँ है इसमें सर? देखिए पुष्पेंद्र भाई, देखिए जी, देखिए देखिए ये आप देख सकते हो मेरे किसान भाइयों, आप इसको खड़े खड़े 360 डिग्री पे आप टर्न कर सकते हो, आप देख ही पा रहे हैं इसमें एटीवी टायर। सर इतने बड़े टायर क्यों दिए हैं, इसके पीछे क्या रीजन? मेरा किसान भाई पुष्पेंद्र भाई इसमें चल रही है, किसान भाई ट्रॉली चला सकता है, रीपर चला सकता है इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे किसान भाई को कोई समस्या नहीं होगी, बड़े टायर इस वजह से लगाए आपने? जी बिल्कुल जी 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 जी। इसमें और क्या डिफरेंट है उसमें? इसमें पुष्पेंद्र भाई हैंडल दिया, वो 360 डिग्री पे घूमने वाला दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से घुमा देंगे। अच्छा, यहीं से ही घूम जाएगा? जी बिल्कुल। ये तो कमाल कर दिया अवतार भाई आपने, तो आपके पावर टेलर में मजा डाल दिया। और ये फंडर बड़े क्यों किए आपने? फंडर इसलिए बड़े किए हैं कि धूल मिट्टी ऊपर ना आ सके किसान भाई जब जुताई करेगा। तो सर इसकी लाइफ क्या है, लाइफ भी बता दीजिए। लाइफ देखिए किसान भाई, इसको लगातार 4 से 5 घंटे लगातार चला सकता नहीं सर, ये तो 4-5 घंटे तो लगातार चला लेगा, 10-5 साल चला सकता है? नहीं चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है, लेकिन मेरे किसान भाई को इसका ढंग से रख रखाव करना है। अच्छा, समय समय पर सर्विस करनी है इसकी। अच्छा, इसका ये एयर क्लीनर होता है, ये इसकी इसका ध्यान रखना है जी, जी, इसकी सफाई करनी है, धूल मिट्टी नहीं जाए अंदर। तो सर इसमें इंजन जो दिया हुआ है वो कितने एचपी का तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सी कंपनी का इंजन रहने वाला है? इंजन रहने वाला किसान पावर कंपनी का इंजन है जी। खुद का आपका? जी ब्रांड अपनी है इसमें। जी 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 जी। रिकॉल स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट रहेगा और रिकॉल स्टार्ट रहेगा? जी बिल्कुल। तो सर आप गियर के बारे में भी बता दीजिए, गियर कितने भाई? आपने ऐसा बीडर नहीं देखा होगा जी, पहली बार देखिए, मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या दिखाने वाले हो आप? 4 गियर में लॉन्च किया मैंने ये, 4 गियर में। हाँ, ये तो सर आपने कमाल कर दिया, मैंने तो आज तक इंडिया में कोई भी कंपनी के पास 4 गियर में नहीं देखा। 3 फॉरवर्ड गियर है इसमें पुष्पेंद्र भाई, 1 रिवर्स गियर है। तो सर मेरे को प्रूफ करके दिखाइए कहाँ है आपके 3 फॉरवर्ड गियर। मेरे किसान भाइयों ये देखते हैं, अभी 3 गियर बता रहे हैं, ये आप देख सकते हो इसमें वास्तव में। ये तो फर्स्ट हो गया जी जी जी, ये न्यूट्रल जी, सेकंड जी, थर्ड। ये अवतार भाई ये तो कमाल कर दिया आपने, आपने तो 4 गियर दे दिए, ये तो कोई भी कंपनी कारनामा नहीं कर पाई। तो सर अब मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये मॉडल तो आपका अभी एक मॉडल हुआ है, और ये दूसरे मॉडल है इनके बारे में थोड़ा बताइए, इनमें कुछ हटके ही किया होगा आपने? पुष्पेंद्र भाई ये भी 8 HP का डबल लाइट दे दिया है। अच्छा, 8 HP का है, ये क्या लगा रखा है सर, ये बताइए आप। ये किसान भाई कहते कि रिकॉल हमारी खराब हो जाती है, अच्छा टूट जाती है खींचने में। जी जी जी। तो किसान भाई को हम, हमने स्टार्टर वो अलग तरीके से कर दिया, चाबी भरनी है इस तरीके से जी, और ये बटन दबाना है किसान भाई। अच्छा, को ऐसे। अच्छा अच्छा, और ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब बटन से स्टार्ट हो जाएगा जी। तो सर अब हमारे किसान भाइयों को बैटरी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब? जी बिल्कुल। तो ये मतलब एक तरीके से आपने जो है रस हैंडल से ही सेल्फ की तरह काम कर दिया? बिल्कुल आपने? जी, आपको बटन दबाना है बस। जी जी। और ये लाइट वगैरह बिना बैटरी के कैसे जलेंगी सर इसमें? इसमें हमने देखिए लाइट के लिए जी कॉल दे रखी है इसमें। अच्छा अच्छा, कॉल दे दी आपने? जी बिल्कुल जी। तो सर आर्मेचर होता है वो बिजली बनाता रहता है। तो सर इसकी मैं जैसे क्वालिटी देख पा रहा हूँ तो कतई प्रीमियम क्वालिटी लग रही है, और इसमें एयर क्लीनर भी अलग टाइप का है, और डबल डबल एयर क्लीनर दिए हुए हैं। डबल डबल एयर क्लीनर दे रखा है जी हमने, धूल मिट्टी से बचाव के लिए, इंजन जी, के जी, लिए। जी, जी। 3 व्हील में है ये। अच्छा, 3 व्हील में क्यों दिया हुआ है सर? 2 व्हील में ही, और मॉडल तो आपके एटीवी के टायर हैं। अच्छा, एटीवी टायर दिए हुए हैं। इसमें हमने इजी टर्न भी दिया है। अच्छा, इजी टर्न है, इसमें भी 360 डिग्री पे टर्न कर सकते हैं, दिखाइएगा हमारे किसान भाइयों को, लाइव करके दिखाइएगा जी। देखिए देखिए, तो भाई साहब ये तो मैंने देख लिया, ये तो इजी टर्न इसमें दिया हुआ है, 360 डिग्री पे टर्न हो रहा है। लेकिन अब बात आती है भाई साहब, आपने हवा में तीर मार रहे हो जी। ये आपके हर एक प्रांत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी भी है, चिकनी मिट्टी भी है, दोमट मिट्टी है, उस मिट्टी में चल पाएगा आपका पावर टिलर? पुष्पेंद्र भाई हवा में तीर नहीं मारता ये अवतार भाई। जी जी, ये लाइव प्रूफ देता है, लाइव प्रूफ। लाइव प्रूफ दोगे चला के आप इसमें बंजर जमीन में? चला के दिखाओगे? चला के दूंगा, घास को ऐसे कर देगा फाड़ के। अच्छा, फाड़ देगा? तो सर अब मैं बात करूँ रोटावेटर के बारे में, रोटावेटर की क्वालिटी क्या रहने वाली है? कार्बन क्वालिटी के ब्लेड हैं इसके। अच्छा, हाई कार्बन क्वालिटी के जी। ये सर देखिए मेरे किसान भाइयों, आप देख सकते हो ब्लेड्स की क्वालिटी, आप देख सकते हो 4 फीट का रोटावेटर है इसमें। अच्छा, वो भी एडजस्टेबल। अगर मेरा किसान 1.5 फीट में चलाना चाहता है, 1.5 में जी, 2.5 फीट में चलाना चाहता है, 2.5 में,
चार फीट में चलाना चाहता है तो चार फीट में चलेगा। अच्छा, चार फीट में भी चलेगा जी। तो सर ये मतलब आपका जो है कहने का तात्पर्य ये है कि आप तीन फीट दो फीट डेढ़ फीट जितने में चलाना चाहते हैं उतने में चला सकते हैं। बिल्कुल। और ये अगला मॉडल में देख पा रहा हूँ आपका, इस मॉडल के बारे में बताइए, इस मॉडल में क्या खासियत है? ये भी तीन पहिये में दिया हुआ है आपने? ये भी तीन पहिये में सेल्फ स्टार्टर लाइट के साथ में, इसमें हमने हैंडल दिया है वो जो कि एडजस्टेबल हैंडल है जी, थ्री व्हील है। अच्छा, टायर भी हमने पांच आठ के छह आठ के कर दिए हैं इसमें। तो सर टायर जो है ये गुड्डी वाले टायर दिख रहे हैं, ये तो क्या मुझे लग रहा है कि ये तो टायर की क्वालिटी भी जबरदस्त दी है, ये इतने हैवी क्यों टायर दिए सर आपने? देखिए टायर पुष्पेंद्र भाई इसलिए दे दिए, मेरा भाई को रिपर भी चलाना है ना। अच्छा, रिपर भी चलाना है। अच्छा, ट्रॉली भी चलाना है इसमें। जी जी, तो जिससे कि मेरे किसान भाई को कोई समस्या नहीं आए। कोई समस्या नहीं आए, ग्रिप बना के बढ़िया तरीके से चल पाए। तो सर धान का सीजन चल रहा है तो खच्चा होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ में सही से रीपर चल पाए। अच्छा, तो सर मैं बात करूं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू वगैरह, वहाँ पर सर पहाड़ी पर से हमारी माता बहन चला के लाती हैं, कुछ ब्रेक वगैरह का भी सिस्टम दिया हुआ है आपने? देखिए पुष्पा, हमने नैनो क्लच का प्रावधान किया है इसमें। अच्छा, नैनो क्लच होता है, अगर जैसे हमारे हमने दबा दिया तो ये चलेगा जी, अगर ये छूट जाता है तो वहीं की वहीं रुक जाएगा। अच्छा, वहीं की वहीं रुक जाएगा जी, रुक जाएगा। मतलब ये ब्रेक का भी काम करेगा और क्लच का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा पुष्पा। अच्छा, ये रुक जाएगा वहीं की वहीं। ये सेल्फ स्टार्ट प्लस लाइट, इसमें गियर कितने हैं सर? तीन गियर है इसमें, दो फॉरवर्ड एक रिवर्स। तो अब बात करूं अगला मॉडल आपका मैं देख पा रहा हूं, इस मॉडल के बारे में बताइए अवतार भाई, ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये 8 HP में प्रीमियम बीटा डीजल इंजन। अच्छा, डीजल इंजन है तो सर ये डीजल इंजन क्यों दिया हुआ है आपने सर? ये तो आपने तीन पेट्रोल में लॉन्च किए, डीजल इंजन क्यों दिया है सर? किसान भाई की चॉइस होती है, वो लेना पसंद करते हैं डीजल। सर हमें डीजल में भी दिखा दीजिए। अच्छा, डीजल में, तो सर डीजल में कितने एचपी का इंजन होने वाला है और किस कंपनी का रहेगा ये? किसान पावर का इंजन है, डीजल इंजन है जी, इक्वल स्टार्टर 8 HP सॉकर के साथ में। अच्छा, सॉकर क्यों दिया हुआ है सर? मैं सॉकर के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए सॉकर इसलिए दे दिया पुष्पा भाई जी, मेरा बीटर वाइब्रेशन नहीं कर पाए। अच्छा जी, तो अब मेरे किसान भाई को चलाने में किसान भाई को दिक्कत ना हो, परेशान नहीं हो पाए। अच्छा, थकान नहीं होगी जी, थकान नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपने ये सॉकर में दिया हुआ है जी। बिल्कुल। तो सर अब मैं बात करूं, इसमें जो है टायर भी आपने कुछ अलग दा बात है सर? टायर की जी, टायर ट्यूबलेस दे दिया है। बिल्कुल डर है इसमें जी, एक टायर गुड्डी वाले हैं। अच्छा जी, तो अब मैं बात करूं राम अवतार जी, अब बहुत टाइम से मेरे किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, इनकी क्या तो प्राइस रहने वाली है और क्या ऑफर में अटैचमेंट देने वाले हो दिवाली और नवरात्र आदि पर से? देखिए किस ऑफर में जी, अटैचमेंट रिचा लेबलर कल्टीवेटर आपके सामने तीन अटैचमेंट रखे हैं जी, इनमें से मेरा किसान भाई दो अटैचमेंट अपनी चॉइस से ले सकता है। अच्छा, दो अटैचमेंट ले सकता है, प्लस में रोटावेटर तीन अटैचमेंट दे रहा हूँ मैं किसान। उसमें दीपावली के ऑफर पर जी 2000 रुपए का डिस्काउंट देते हुए। अच्छा, 2000 का डिस्काउंट मिलेगा इसकी 64,000 रुपए 8 HP में डीजल इंजन है, इसकी 64,000 रुपए 2000 रुपए का डिस्काउंट करते हुए 62,000 रुपए में ट्रांसपोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, डिलीवरी फ्री रहेगी? बिल्कुल जी, देख लीजिए भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान पावर कंपनी का जी, ये आठ एचपी सेल्फ स्टार्ट जी, इसकी कीमत रहने वाली 58,000 रुपए 58,000 रुपए किसान भाई को 56,000 रुपए में छोड़ेंगे ट्रांसपोर्ट तक जी। इसकी कीमत है वो है 62,000 रुपए जी, किसान भाई को 60,000 रुपए में ट्रांसपोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे जी। इसकी कीमत है 62,000 रुपए जी, किसान भाई को 60,000 रुपए में चार गियर वाला सेल्फ स्टार्ट है जी, इसको हम किसान भाई को 60,000 रुपए में ट्रांसपोर्ट तक भेजेंगे। किसान भाई को बुकिंग के लिए 5,000 रुपए हमारे कंपनी करंट अकाउंट में डालना, प्लस में आधार कार्ड दोनों तरफ। तो वो कंपनी में जैसे आना चाहे आपकी में, तो सर हमारी कंपनी में अगर आना चाहते हैं, किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री हमारी कंपनी का नाम है, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के नदवई तहसील में ये हमारी कंपनी है जी। और जो हमारे किसान भाई दूर दराज क्षेत्र में वो नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं जी, उन पर वीडियो कॉल के माध्यम से हमारी कंपनी देख सकते हैं और हमारी मशीन देख सकते हैं जी, मशीन देख करके बुकिंग करा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि अभी अवतार भाई ने आपको जानकारी दी और आपको दिवाली और नवरात्रा का ऑफर भी दिया हुआ है, आप अटैचमेंट आपको देने वाले हैं और आपको 2000 रुपए की छूट आपको मिलने वाली है। तो मेरे किसान भाइयों, इन पावर टिलर के माध्यम से अवतार भाई के जो पावर टिलर है, जो कि नए नए मॉडल लाते रहते हैं और नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, तो इनके माध्यम से आप अपनी खेती बाड़ी को और जो भी है उसको आप जो है खत्म करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको नई वीडियो में, तब तक जय।